भाई को भी क्या करना चाहिए, नाश्ता करते करते बाबा की याद में नाश्ता करो। अगर ज्ञान में चलते हो तो आप जरूर रोज एक मुरली कह माता जी को बताना, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। नाश्ता करते करते आपके मुख से निकाला, मन से माता जी दे रही है, आप मुख से आज की मुरली के पॉइंट लिख के रखो, या ऐसे भी देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो बाबा के पॉइंट सुनाते हुए आप नाश्ता करो, उसको बाबा की याद में नाश्ता करो। भाई हो सकता है ये कठिन है, हो सकता है माता ही तो करेंगे, भाई बताओ कर सकते हो? नहीं भाई जी मैंने कुछ सुनू, माता जी और कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं सुनेंगी, भाई कर सकते हो ना, कि कठिन है? जो समझते हैं भाई जी नहीं हो सकता है, हाथ उठाओ, अभी तो नहीं उठाएंगे बाद में। तो आपके मुख से भी क्यों नहीं, तो आपके मुख से गलत कुछ ना कुछ निकलता है, इधर उधर की बात आती है, तो आप मुख से बोलो जरूर, लेकिन आज के मुरली के पर जो ज्ञान में चलते हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते उनके लिए अलग, ठीक है? अगर घर में शांति चाहते हो ज्ञान के लेन देन करो, ज्ञान सुनकर रखने के लिए नहीं, जो सुन के खाली हाथ जाओ नहीं, कुछ लेके जाओ, और सारी मुरली नहीं, एक शब्द, एक ही मुरली के पॉइंट बस। देखो आज नाश्ता करते करते आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, अब बोलना, सुन माता जी सुनती भी है, खाना भी खिलाती है, तो आपके बाबा के याद में खाना खाओ, कहते ये करना चाहिए रोज, उसके बाद बाकी आप कुछ सोचो बाद में, शुरू में एक मुरली के पॉइंट याद करो। भाई जी कर सकते हैं? कोई तकलीफ है तो बताओ, क्योंकि तकलीफ वाले काम नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं? जो समझते भाई जी कर सकते हैं, हम करेंगे, वो हाथ उठाओ देख लो, हो सकता है, मना शांति हो सकती है ना, माता ये भी हो सकता है, माताओं को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, हो सकता है ना, एक हो गया।